हाँ जी। हेलो सर। हाय। हेलो। तुम बदल गए यार, तुम्हारी आवाज कुछ बदली बदली लग रही है मुझे, ऐसा क्यों? सर हमें लगा कि आप एक ही इंसान से बोर हो जाएंगे ना बार बार। हे भगवान, तो टीजी फैमिली बड़ी कंसिस्टेंट है यार, टेक्निकल गुरुजी इज नोन फॉर इज कंसिस्टेंसी, बट चलो कोई बात नहीं। आज तो मौसम बड़ा अच्छा हो चुका है वैसे ना। यस सर, आपको क्या अच्छा लगता है, सबसे बेस्ट पार्ट क्या है इस मौसम का? इस मौसम का बेस्ट पार्ट ये है कि गर्मी से दूर देखो, बाहर अभी हम टहल रहे हैं, पसीने की एक बूंद नहीं आएगी, बढ़िया से एंजॉय कर रहे हैं, शाम का टाइम है, चिड़ियाएं चहचहा रही हैं, अपने घर को लौट रही हैं, हरियाली छाई है चारों तरफ, ऐसे एकदम गीला गीला माहौल है, ब्लू है पानी 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 पानी, और दिन जो है वो है नॉट सो सनी 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 सनी, इसका एक अलग मजा है यार। ओके सर, तो सर हम शुरू करते हैं टीजी फैमिली के बहुत सारे क्वेश्चन से आज फिर से। तो गाइज, आप सभी के सवालों का जवाब देने के लिए मैं हूं बिल्कुल तैयार, जल्दी से आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, और मैं बात करने वाला हूं आज इसी संडे टेक मसाला में आप सभी के सवालों का जवाब देते हुए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं। तो सर पहला सवाल है अबरार खान का। लव यू गुरुजी, मैं आपका ओल्ड सब्सक्राइबर हूं, मैं जानना चाहिए चाहता हूं कि जब हम लोग कोई भी स्मार्टफोन लेते हैं तो उसका कैमरा बहुत क्लियरली के साथ फोटो निकालता है, बट कुछ टाइम बाद फोटो सही नहीं आता है, ऐसा क्यों होता है, प्लीज जवाब जरूर दीजिएगा। अबरार भाई, लव यू टू, देखो सिंपल सी बात है, नए नए फोन में फोटोज जो बेस्ट पॉसिबल है आपको मिल जाती हैं, कई बार विद अपडेट्स कैमरा इंप्रूव भी होता है, ब्रांड्स कैन यू नो इंप्रूव द कैमरा, कई बार ब्रांड्स जो हैं वो पता नहीं क्या ही खिचड़ी पकाते हैं कि अपडेट्स के बाद में परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाती है, कैमरा का जो आउटपुट है आपको जितना अच्छा मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है, कई बार ये गलती से हो जाता है, कई बार ब्रांड जानबूझ के करते हैं ताकि आप नए वाले मॉडल पे स्विच करें, इट जस्ट अ थिंग। और होता क्या है ना, विद टाइम आपको दिखते हैं आसपास नए नए फोन्स, उनका कैमरा उससे अगर बेहतर होगा जो आपके करंटली फोन है, तो आपको साइकोलॉजिकल लगेगा कि इसके कैमरा की परफॉर्मेंस गिर गई है। तो नेक्स्ट सवाल है स्वप्निल म्हात्रे का। ओके। हेलो टेक्निकल गुरु जी। Hello? Is iPhone 13 mini worth mainly for photography and videos or should wait for iPhone 14 looking for a small phone? यार iPhone 13 mini is a good phone Swapnil, आप ले सकते हो, फोटोज वीडियो आपको बहुत अच्छी मिलती हैं, बेसिकली आईफोन्स जो हैं वो जाने जाते हैं अपनी कैमरा क्वालिटी के लिए, आईफोन 14 का भी आप वेट कर सकते हो, बट देन अगेन 14 मिनी नहीं आने वाला है, 14 स्टैंडर्ड जो है वहाँ से शुरुआत होने वाली है जो कि होगा 6.1 इंचेस का, अगेन ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, वो भी एक छोटा फ़ोन ही है, बट फिर वेट करोगे तो सेप्टेम्बर एंड तक मार्केट में आएगा, प्राइस भी ज़्यादा होगी, तो वो सब आपको देखना है कि आप क्या चूज़ करोगे। आई मीन 13 मिनी इज़ अ गुड फोन, बस आपको बैटरी लाइफ में इतना मज़ा नहीं मिलेगा, वो आपको पहले बता देता हूँ। अपूर्व अग्रवाल का दूसरा सवाल है सर। आई हैव टू क्वेश्चंस। फर्स्ट, डज गिविंग लॉन्ग टर्म सॉफ्टवेयर सपोर्ट इंक्रीज द प्राइस ऑफ फोन? सेकंड, आउट ऑफ टू विच फोन डू यू रिकमेंड? फर्स्ट ऑप्शन इज बजट फोन विद हाई एंड चिपसेट एंड लेस ऑप्टिमाइजेशन, एंड सेकंड ऑप्शन इज प्रीमियम प्राइस्ड फोन विद मिड रेंज चिप एंड ग्रेट ऑप्टिमाइजेशन। अपूर्व भाई, देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहली बात तो ये कि जी हाँ, अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर अपडेट्स की तो खर्चा पड़ता है भाई, ब्रांड्स जो हैं वो मान लो एक फ़ोन लॉन्च किया, आप 3 साल तक अपडेट्स देने, तो एक टीम है ना जो बैठ के काम कर रही है उस फ़ोन के ऊपर, उनकी सैलरीज और 50 तरह की चीज़ें, तो मतलब देखो डेफिनेटली खर्चा तो बढ़ता है, इसीलिए हर किसी ब्रांड के बस की बात नहीं होती है कि वो लंबे टाइम तक आपको अपडेट्स दे पाए। दूसरी बात, जहाँ तक बात है मैं क्या चूज़ करूँगा, तो यार मैं चूज़ करूँगा एक थोड़ा सा प्रीमियम प्राइस्ड फोन्स विद मिड रेंज प्रोसेसर चलेगा, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन बहुत सही होना चाहिए, मतलब व्हाट इज द पॉइंट कि आपके पास में फरारी का इंजन है बट उस इंजन की ट्यूनिंग अच्छे से नहीं हुई है, अगर आपके पास में इंजन थोड़ा सा कम पावरफुल भी लेकिन अगर वो अच्छे से ट्यून्ड है तो आपको डेफिनेटली बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगी। अगला सवाल है रमन शर्मा का। When will announce the winner of giveaway of the Nothing Phone 1? रमन भाई, कर दिया कर दिया कर दिया, अनाउंसमेंट हो गया, बेसिकली नथिंग टीम ने जो ग्लीम लिंक बनाया था, वो नथिंग टीम ने बनाया था, उन्होंने उस लिंक पे अनाउंसमेंट कर दिया है, मैंने इनफैक्ट ट्वीट भी कर दिया है, 5 विनर्स जो उनके नाम आपको वहाँ पे दिख रहे हैं, अगर आप उनमें से एक हैं तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, जो भी विनर्स हैं उनको नथिंग टीम अभी ऑफिशियली कॉन्टैक्ट कर लेगी और उन तक उनका जो फोन है वो भिजवा देगी। सर अगला सवाल है जय हिंद का। ओके, जय हिंद। जय हिंद सर। भैया क्या आप BGMI खेलते हो, अगर हाँ तो कितना? मैं 2-3 आवर्स खेला हूँ, ये सही बात नहीं है ना, पर मैं ऐसे टैकल करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। BGMI मैं खेलता हूँ कि नहीं, यार देखो मैं तो नहीं खेलता हूँ, ऑफकोर्स आई डोंट प्ले यू नो गेम्स एज सच, अगर आप 2-3 घंटे खेलो भैया देखो बहुत ज़्यादा खेल रहे हो, इतना नहीं खेलना चाहिए, और अगर बात है टैकल करने की तो बिल्कुल भाई टैकल करो, क्योंकि प्लेइंग 2-3 आवर्स पर डे इज़
नॉट एट ऑल गुड. अगर आप एक गेम में सोचो अपने दिन का अगर लगा रहे हो ऐसे 10-15% तो वो अच्छी बात नहीं है भाई. अच्छा वैसे सर अभी जो हमारे नेक्स्ट टीजी फैमिली है उनकी क्वेश्चंस के साथ साथ एक शिकायत भी है. ओके गुरुजी जब से आप ऐसे क्वेश्चंस लेना चालू किए हैं मेरा सवाल पिक नहीं होता. देखो गाइस जो सवाल पिक करती थी हमने चेंज ही कर दिया ना. इस बार देखो आपका सवाल पिक हो गया ना. हमने इंसान ही बदल दिया. जो सारा करप्शन होता था हमने उसको जड़ से निकाल दिया है. सवाल क्या है वैसे? तो सवाल ये है कुछ दिनों से टिकटॉक्स क्यों नहीं आ रही फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री. टिकटॉक्स इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि इट्स टाइम फॉर अ चेंज. आपको वो चेंज बहुत जल्दी देखने को मिलेगा. इनफैक्ट मिल ही चुका है आपको जो आपने देखा अभी कल जो हुआ WTF. हम बात कर रहे हैं वीकली टेक फोकस की. हफ्ते भर का मसाला एक साथ मिलेगा और पूरे अच्छे तरीके से मिलेगा. सर ऋषभ एक और सवाल पूछ रहे हैं जब 5G प्लान इंट्रोड्यूस होंगे तो उसमें डाटा ज्यादा मिलेगा या 4G के जितना ही. बिकॉज 5G में जो ज्यादा डेटा उड़ेगा ना. यार देखो 5G के प्लान स्टार्टिंग में तो आएंगे धन धना धन फ्री फ्री फ्री. कुछ तो देखो भैया स्कीम मिलने वाली है हमको डेफिनेटली यू नो टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स. आगे चले देखते हैं कि प्लान्स वगैरह कैसे मिलते हैं. बट आई मीन हाँ डेटा तो ज़्यादा कंज्यूम होगा बिकॉज स्पीड बहुत ज़्यादा होगी. तो इंस्टेंट आपने कुछ क्लिक किया तो डाउनलोड्स वगैरह हो जाएंगे. वीडियोज जो है वो बहुत जल्दी बफर हो जाएंगी. तो मतलब डेफिनेटली इट विल कंज्यूम मोर डेटा. बट हाँ लगता तो है यार कि देखो डेफिनेटली होना चाहिए ना ज़्यादा. अगली शिकायत और क्वेश्चन है वैभव वर्मा का. बैक टू बैक शिकायत पे आ गए यार. मतलब ये क्या मजाक है. चलो क्या है क्या पूछा वैभव ने. भाई न्यू टीजी 2.0 टीम ने कभी क्वेश्चन पिक ही नहीं किया. वैभव देखो हमने कर दिया है जड़ से समस्या का पूरा समाधान. सारी शिकायत पेटी में जो आई थी ना शिकायतें हमने सबको एकदम सॉल्व कर दिया. देखो सबके सवाल पिक हो रहे हैं अभी. अगला सवाल क्या है सवाल पूछो अभी. जैसे आपने ओप्पो रेनो का सेल्फ पर्सपेक्टिव एंड शॉर्ट रिव्यू किया वो और फोन्स का भी देखने को मिलेगा एज वी एक्सपेक्ट अ पर्सपेक्टिव फ्रॉम यू टेक्निकल गुरुजी भाई. ओप्पो का तो देखो भैया एक अलग ही हमने जो है वो काम किया और डेफिनेटली वो होना ही था. बट डोंट यू वरी गाइज हम अभी जो है वो आपके लिए ऐसे एक के बाद एक चीज़ें जो हैं वो करने वाले हैं जहाँ पे कोई भी ब्रांड अगर ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनता है ना. अगर कोई भी ब्रांड जो है वो उसको लगता है कि भैया कस्टमर्स को क्या पता है कुछ भी चिपकाओ बेचो मार्केट में. अब ऐसा नहीं होगा नॉट एनी मोर. आपको मिलेंगी ऐसी वीडियोस बेसिकली आपके लिए नए शोज वगैरह बहुत कुछ आने वाला है और आपको बहुत मज़ा भी आएगा. तो सर अगला सवाल है विवेक गोस्वामी का. Is it worth spending 40K for a tensor chip? And is it going to age well in the coming years? What are your thoughts on it? Because I am planning to upgrade from Samsung Galaxy Note 10 Plus. तुमको पता है विवेक के पास में Note 10 Plus कहाँ से आया? पता है? No sir. विवेक हमारे Samsung के Note 10 giveaway contest का winner है. मेरे को विवेक का नाम अच्छे से याद है. विवेक गोस्वामी का हमने गैलेक्सी नोट 10 के 10 डिवाइसेस का गिवअवे किया था. 5 नोट 10 और 5 नोट 10 प्लस. तो विवेक वाज यू नो वन ऑफ द विनर्स. तो विवेक आई होप कि आपका प्राइस जो आपको मिला था अभी तक आप चला रहे हो उसको एंजॉय कर रहे हो. जहां तक बात है टेंसर चिप 40,000 के ऊपर बेसिकली आप पिक्सल 6 की बात कर रहे हो. एंड पिक्सल 6 इज अ गुड फोन यार ले सकते हो. एज कितना करेगा नहीं करेगा तो उसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है बिकॉज इतना ज्यादा अभी सीन सही रहा नहीं है पिक्सल का. बट एट द सेम टाइम इट लुक्स लाइक अ गुड फोन. बट कॉम्प्रोमाइज तो डेफिनेटली है ना कि आपको उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल 60Hz का स्क्रीन मिल रहा है या यू नो प्लास्टिक बैक है तो वो भी पॉइंट्स हैं यार. मतलब यू नो यू हैव टू डिसाइड. तो सर शिखर भरनवाल आपके साथ एक मेमोरी टेस्ट करने वाले हैं. ओके यस. तो वो कहते हैं गेमिंग चैनल का क्या हुआ. व्हेन वी कैन एक्सपेक्ट टीजी प्लेइंग BGMI COD एक्सेट्रा. वैसे याद तो है ना हम बिग फैन. बिल्कुल याद हो शिखर भाई. मेरे को बहुत सारे टीजी फैमिली मेंबर्स जो हैं वो अच्छे से याद हैं विद देयर प्रोफाइल फोटोज विद देयर यूजर नेम्स. जिस तरीके से सवाल पूछते हैं लिखते हैं मेरे को डेफिनेटली याद है भाई. और आज नहीं ये मैं 5-6 साल पुराने आईडीज की बात करूँ मेरे को वो भी याद है. और जहाँ तक बात है गेम्स वगैरह खेलने की तो देखो भैया अभी हम तो टैकल नहीं कर पाएंगे 2-3 घंटे खेलेंगे तो. बट स्टिल इन फ्यूचर डेफिनेटली यू वुड सी सम यू नो कॉन्टेंट अराउंड गेमिंग जिसको देखिए आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा. वैसे गेम से मेरा फिलहाल मन कर रहा है इसमें डुबकी मार लूँ और थोड़ा सा स्विमिंग वाला जो है वो एक्चुअल एक आउटडोर गेम खेल लूँ यार. बिकॉज 10-12 लैप्स लगूँ ना मतलब बड़ा मजा आएगा. तो मौसम भी काफ़ी अच्छा है. सर अगला सवाल है निखिल शर्मा का. निखिल शर्मा ओके. बायसनाइजर अकूस्टिक. निखिल शर्मा के ऐसे बाल हैं ऐसे बिखरे बिखरे से थोड़ा सा उसकी ऐसी डीपी आई थिंक पिंक शर्ट में लगाई है क्या निखिल ने. यस सर. देखा मेमोरी टेस्ट तुम कर रहे हो मेरे को याद है निखिल की डीपी कैसी है बताओ. तो सर निखिल शर्मा पूछ रहे हैं व्हाई सनाइजर अकूस्टिक आर एक्सपेंसिव. इट्स लेटेस्ट ईयरफोन लॉन्च इन इंडिया कॉस्ट 60,000. व्हाई इज इट सो.
It's expensive than apple. निखिल भाई देखो apple तो expensive बहुत सारी चीजें हैं ही और Sennheiser एक बहुत ज्यादा premium brand है. Sennheiser के एक earphones आते हैं मेरे ख्याल से $50,000 उनकी price है, मतलब सोच लो 40 लाख के आसपास के. वो ऐसे इतना बड़ा marble की पेटी होती है, वो बटन दबाते हैं, वो you know tube amplifiers बाहर निकलते हैं, buttons बाहर निकलते हैं, ढक्कन खुलता है, headphones निकलते हैं. तो मतलब definitely Sennheiser is a very premium brand. सर अगला सवाल है नील का. ओके सर, आपके हिसाब से नथिंग फोन 30-40 के बजट में बेस्ट फोन है ना करंटली? नील देखो बेस्ट तो नहीं है ऑफ कोर्स, बिकॉज़ देयर इज नथिंग दैट्स बेस्ट. इट डिपेंड्स ऑन योर काइंड ऑफ यूजेज, आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपको क्या चाहिए, यू नो मतलब उस पर डिपेंड करता है. बट एट द सेम टाइम ये कहूंगा इट्स अ वेरी गुड बैलेंस्ड फोन, और ये फोन कहीं ना कहीं एक अच्छी वैल्यू को जस्टिफाई करता है जिस प्राइस ब्रैकेट में आया ना. नथिंग टीम ने अच्छा काम किया है कंसीडरिंग उनका पहला फोन है. सर फिर से कंप्लेंट आ गई. ओके तुम्हारे लिए आई है, किसी और के लिए आई है? नहीं सर आपके लिए आई है. ओके सर ये कंप्लेंट है मोहिंदर सिंह की. वो बोल रहे हैं आपको 4 साल से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपने पिक ही नहीं किया. भाई माफ 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 कर दो भाई, प्लीज गलती हो गई मोहिंदर. सवाल क्या, सवाल पूछ. सवाल ये है मेरे पास Redmi Note 4 है, उसका स्क्रीन अपने आप चलने लगता है. ओके तो ये तो अच्छी बात है ना, फोन में AI आ गई है, फोन में जो है वो इंटेलिजेंस आ गई है, फोन में मंजुलिका घुस गई है. नया डिस्प्ले भी लगाया, अब ठीक चल रहा है. ओके 2018 में लिया था. हाँ. लेकिन अब तक कोई अपडेट नहीं आ रहा, क्या हाँ. करूं भाई? ऑनेस्टली बोलना तो आपने क्या किया, आपने गन्ना लिया, आपने उसको डाला मशीन में, एक बार निकाल दिया, फिर आधा मोड़ के दूसरी बार निकाल दिया, फिर चार तय करके और निकाल दिया, तो उसका पूरा जूस निकल गया है. अभी कुछ बचा नहीं है, अब इनमें कुछ नहीं रखा. रेडमी वेडमी की लाइफ भैया हो गई है आपकी, 4 साल चला लिया आपने. हाँ यूज तो कर ही सकते हो फोन अगर चल रहा है तो, बट अपडेट्स वगैरह की बात को भूल जाओ. आइडियली अगर आपके पास बजट है मंदिर तो एक नया फोन लो, 15,000 रुपये 10-15,000 कुछ खर्च करो, डेफिनेटली आपको आपके Redmi Note 4 से काफी बेहतर एक्सपीरियंस मिल जाएगा. सर अगला क्वेश्चन है महेश अहर का. ओके Vivo X80 और IQ90 दोनों में V1 Plus चिप है, तो दोनों का फुल कैमरा कंपैरिजन प्लीज. कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं. Vivo की V1 Plus चिप है, ऑल्दो कैमरा के अंदर स्पेक्स में कुछ कुछ जो है वो चीजें राइट लेफ्ट हैं, बट देन अगेन इफ यू वांट टू सी सच अ कंपैरिजन वी कैन डू दैट. और नोट कर लिया गया है आपकी रिक्वायरमेंट जो है आपको चाहिए. सर कुमार नितिश आपसे एक थोड़ी सी भविष्यवाणी करने की उम्मीद कर रहे हैं. ओके कहते हैं, पूछ रहे हैं वो बेसिकली. भविष्यवाणी तो यार हर हिंदुस्तानी कर सकता है ना, सबको पता होता है फ्यूचर में क्या होने वाला है, सबको पता होता है ये स्टॉक खरीद लो पैसे बढ़ जाएंगे, सबको पता होता है यहाँ पे जमीन खरीद लो जमीन के रेट बढ़ जाएंगे. मतलब वी ऑल इंडियंस आर एक्सपर्ट इन प्रेडिक्शन. मुझसे पूछो क्या प्रेडिक्शन चाहिए. तो वो प्रेडिक्शन चाह रहे हैं कि OnePlus का Nord 3 कब आने वाला है. ये तो ज्यादा हो गया यार. OnePlus को खुद को नहीं पता वैसे Nord 3 कब आने वाला है, बट OnePlus जो है वो Nord सीरीज में बहुत ज्यादा जो है वो एग्रेसिवली काम कर रही है, तो आपको बहुत जल्दी लगता है कि अभी नए नए Nord देखने को मिलेंगे और Nord 3 भी काफी जल्दी आ सकता है. सर अगला सवाल है कैसर का. ओके बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है सर. हां वो पूछ रहे हैं व्हाट इज योर मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल, लविंग द इंप्रूवमेंट्स यू मेड इन योर चैनल TG 2.0 इज अमेजिंग. From my end, lots of love and support always. Pick my question, please. केसर भाई बहुत बहुत थैंक यू कि आपको पसंद आ रहा है TG 2.0. हम सब मिलके एफर्ट्स कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए कुछ ना कुछ नया 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 लेके आते रहें. जहाँ तक बात है बिजली के बिल की यार, तो बिल आता रहता है बेसिकली. क्या ही बोलूँ भाई साहब, गर्मी सर्दी का भी है भाई. भाई 1.5-2 लाख के आसपास आई थिंक, उस रेंज में अराउंड इन दैट फिगर इन दैट बॉल पार्क. दिस इज द काइंड ऑफ. What's the next question? Tell sir, अभी दो questions जो है ना वो हमारी TG family ने video बनाकर भेजे हैं. ओ चलो चलो video questions जवाब देते हैं अभी instantly. मेरा iPad दिया जाए मुझे. Hello गौरव भैया, मेरा सवाल ये है कि AMOLED display और OLED display में क्या difference होता है और इनमें से कौन सा display अच्छा होता है? OLED और AMOLED में क्या डिफरेंस होता है? OLED होता है ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, AMOLED होता है एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड. तो बेसिकली OLED जो है वो एक पैनल बन गया. अगर आपको AMOLED बनाना है तो आपको उसके ऊपर एक बहुत ही पतली लेयर लगानी है, यू नो थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स की, और AMOLED बनाने के बाद में यू कैन मेक देम फ्लेक्सिबल दिस दैट. तो बेसिकली जैसे PAMOLED होता है फॉर एग्जांपल, या Samsung जैसे यूज करता है सुपर AMOLED वगैरह. तो ये कहीं ना कहीं OLED के ऊपर आपने एक लेयर लगाई, तो
तो ये बन गया AMOLED। जहाँ तक बात है डिफरेंसेस की, तो देखो आपको AMOLED के अंदर जो है वो हाई रिफ्रेश रेट्स वगैरह वो मिल सकती हैं, OLED में आपको बेहतर कंट्रास्ट रेशियो मिल सकता है, AMOLED के अंदर आपको बर्न इन की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, OLED में वो दिक्कतें थोड़ी सी कम आती हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ यू नो ब्रांड, बिकॉज जैसे Samsung है वो AMOLED यूज़ कर रहा है, सुपर AMOLED यूज़ कर रहा है, कुछ ब्रांड्स हैं जो OLED यूज़ करते हैं, LG के TV आते हैं OLED वाले, Samsung के फॉर एग्जाम्पल आते हैं, मतलब यू नो, तो इट ऑल डिपेंड्स। बट ऐसा कुछ नहीं है कि एक बहुत अच्छा एक बहुत खराब है, इट जस्ट दैट टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्नोलॉजी। अगला सवाल क्या है देखते हैं। HTML का ये फॉर्मेट मुझे काफी सही लगा, मेरा सवाल ये कि क्या आईफोन लेने का ये सही टाइम है या BBD सेल तक रुक जाना चाहिए, और गुजरात मीटअप का कब प्लान बन रहा है, और TC 2.0 के बारे में कुछ रिवील कीजिए, क्या अपडेट आ रहा है। आईफोन लेने का सही टाइम है या नहीं है, आईफोन देखो भैया ले सकते हो, BBD का वेट करोगे तो और ज़्यादा बेहतर आपको डील्स मिल जाएंगी, बट देन अगेन आपको वेट करना पड़ेगा, और गुजरात मीटअप हम जल्दी प्लान कर रहे हैं, मेरा शायद बहुत जल्दी अहमदाबाद का चक्कर लग सकता है, तो जितने भी लोग गुजरात से देख रहे हैं सब तैयार हो जाओ, अहमदाबाद में शायद हम बहुत जल्दी मिल पाएंगे। तो मिल गए सारे सवाल के जवाब, डन। कुछ और बाकी है बताओ, अगले बार सवाल कैसे पूछना है, क्या करना है लोगों को सर, उनके लिए नीचे कमेंट्स में ओके ये ट्विटर पे हैशटैग बोलो गुरुजी और वीडियो क्वेश्चंस आपकी ईमेल आईडी पर। क्या बात है, तो गाइस सीधा सीधा बम्बार्ड कर दो सारे सवाल, उम्मीद करते हैं कि अगले बार धोखेबाजी नहीं मिलेगी, आपको मिलेगा पूरा इंसाफ और आपके सवाल पिक किए जाएंगे और मेरी तरफ से मिलेंगे आपको पूरे जवाब। फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।